जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। पार्ट टू ICS पार्ट टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 11। तो जितना हमने एक प्रॉब्लम जो बनाई थी वो डिस्कस कर रहे थे, वो ये थी कि आपके पास अगर पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8 and 10 एक जो स्टेटमेंट है, और उसमें रिक्वायर होता है 2 सैंपल साइज के साथ आपने सैंपल बनाने हैं, यानी स्मॉल एन आपका 2 होगा, ग्रेटर एन जो है वो आपका 5 है, क्योंकि पॉपुलेशन यूनिट्स जो हैं वो 2, 4, 6, 8 and 10 हैं। अब आपने विद रिप्लेसमेंट से जब सैंपल्स बनाने हैं तो उसका जो फार्मूला था वो था ग्रेटर एन की पावर स्मॉल एन, यानी आपके पास जो पॉपुलेशन यूनिट्स 5 थे और उसकी पावर जो स्मॉल एन थी वो साइज 2 था। ये विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला था, क्या चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने सैंपल्स बन सकते हैं। अब आप अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25 पॉसिबल सैंपल्स बन रहे थे। वो सैंपल्स जो हैं वो इस तरह, यानी ट्री डायग्राम के साथ लास्ट क्लास में बताया था, यानी ये मैंने एक हेडिंग दी है सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट बने हुए हैं। तो फर्स्ट जो आपका सैंपल था वो ये था 2, अगर 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी आपके पास 5 यूनिट्स हैं 2, 4, 6, 8 and 10। अब फर्स्ट वाले के साथ जब आप बनाएंगे सैंपल्स, 2 है फर्स्ट वाला तो उसके साथ सारे आगे पेयर्स जो हैं वो बन जाएंगे, फिर 4 के साथ सारे, फिर 6 के साथ सारे, फिर 8 के साथ सारे और फिर 10 के साथ सारे ये बन जाएं। अब इनका मीन जो है वो फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास साफ जो कॉलम शो हो रहा है ये मीन्स का है, तो मीन बन जाएंगे। सैंपल मीन जो है वो फाइंड करने, सैंपल्स और सैंपल मीन्स वो फाइंड करके नेक्स्ट आप जो हेडिंग या टेबल बनाएंगे वो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कुछ इसी तरह से बन रही होती है कि आपके पास जो रॉ डाटा है, यानी रॉ डाटा से मुराद ये है आपके पास बेतरतीब डाटा पड़ा हुआ हो, कोई किसी किस्म का आपने किसी से इंफॉर्मेशन ली है, फर्ज करें आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर्स की फॉर्म में है, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 10, 8, 9 इस तरह पड़ा हुआ है। अब उनको अरेंज करने के लिए आप एक तरफ तरतीब से वो काउंटिंग सारी लिख लें। अब हर काउंटिंग जो, हर नंबर जो है वो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको आगे लिख दें उसकी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही होती है। इसी तरह सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बनाएंगे सैंपल मीन्स जो फाइंड किए हैं उनकी। तो फर्स्ट आप, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें मीन्स आपके मिनिमम जो नंबर है वो क्या है और मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, और उस मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आप काउंटिंग लिख लें, मगर जो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं, रिपीट फॉर्म में नहीं लिखने आपने। जैसे आप देखें यहाँ पे जो नंबर है 3 वो रिपीट हो रहा है, मगर मैं जब इसको एक्स बार, हम मीन्स को एक्स बार से शो करते हैं, यानी यहाँ पे आप एक्स बार भी लिख सकते हैं इन सब के साथ। अब यहाँ पे मैंने ये कॉलम बनाया, मिनिमम मेरे पास 2 है और मैक्सिमम 10 है, तो मैंने विदाउट रिपीट नंबर जो हैं यहाँ पे सारे लिख दिए हैं तरतीब से 2 से 10 तक, यही मेरे पॉसिबल मीन्स यहाँ पे फाइंड हुए हैं इन तीनों कॉलम्स में। तो अब क्या करना है, 2 देखना है, जो हमारा पहला मीन है उसको देखना है कि ये हमारे सारे के सारे जो सैंपल मीन्स हैं इनमें ये रिपीट कितनी दफ़ा हो रहा है, जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वो रिपीटेड नंबर जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 जो है वो हमारे पास रिपीट एक दफ़ा हुआ है, मैंने इसके आगे ये लिख दिया। इसी तरह 3 2 टाइम, 4 3 टाइम,
फाइव फोर टाइम और अप टू सो ऑन, 10 जो है वो वन टाइम रिपीट हुआ है, आप इस टेबल में से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन्स हैं उनका मीन और वेरियंस। सबसे पहले जो हमने काम करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ये जो टेबल है इसका हमने मीन और वेरियंस पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं, ये है सैम्पलिंग मीन का मीन और ये है वेरियंस सैम्पलिंग मीन जो हमारे पास थे उनका वेरियंस। ये जो बेस में मैंने ये लिखा हुआ है एक्स बार इन दोनों का, ये शो कर रहा है कि सैम्पल मीन्स का ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो है। जैसे अगर सिंगल हम मीन करेंगे एक्स बार के विदाउट तो ये पॉपुलेशन मीन शो होएगा। अब इसका जो फार्मूला है इस मीन का वो ये होगा कि सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, इस एफ ऑफ एक्स बार की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप एफ भी लिख देंगे तब भी चलेगा, मगर एफ ऑफ एक्स बार का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी है इस मीन की। अब जो हमने जो मीन फाइंड करना है उसके लिए आप ये कंसीडर करें कि ये जो एक्स बार है ये आपका एक्स शो हो रहा है और यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स बार है ये सिंपल एफ है। तो अब ग्रुप में हम फार्मूला क्या लिखते थे एक्स बार का, ग्रुप डाटा में सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। तो यानी अगर आप इस एफ ऑफ एक्स बार को सिंपल एफ कंसीडर करें और इस एक्स को एक्स बार, एफ को एफ ऑफ एक्स बार, तो ये वही वाला फार्मूला जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये मीन इसका अगर आपको ये वाला मतलब ये फार्मूला है तो आपको चाहिए एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार आप ये कॉलम बना लें, यानी इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपके पास रिजल्टिंग जो कॉलम है वो बन जाएगा। और यहाँ से ही वेरियंस के लिए एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा। अब इन तीनों कॉलम्स के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात याद रखें कि आपका जो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बार है यानी जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये आपका इक्वल आना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स के। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हमने जो सैंपल्स बनाए हैं ये जितने ये सैंपल्स होंगे उतना ही आपका सम आएगा। यानी ये 25 मेरे सैंपल्स थे, 25 ही मेरा सम आया। इसके बाद इस कॉलम का सम आपके पास ये आ गया और इसका ये वाला। नेक्स्ट इसके मीन के लिए आपका जो सम है वो सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार 150 है डिवाइडेड बाय आपका सम एफ ऑफ एक्स बार का 25 है, डिवाइड कर दें आपके पास जो आंसर आया है ये है मीन ऑफ सैंपल मीन। वेरियंस के लिए फार्मूला हमारे पास तो होता था सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ ऑफ एक्स सम ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ये आपका वेरियंस होता था ग्रुप डाटा में। अब इसी से ये वाला फार्मूला जो है वो बन रहा है। इसमें जो आपको सम चाहिए था सबसे लास्ट वाला ये एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, ये आपका यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बार। नेक्स्ट आपने ये वाली टर्म जो है ये ऊपर सॉल्व की हुई है जिसका आंसर आपके पास 6 आया, इसको यहाँ पे पुट करें स्क्वायर करें 36 आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 40 आ गया, माइनस किया तो आपके पास ये जो है ये आपका आ गया वेरियंस किसका, सैंपलिंग मीन्स का वेरियंस यहाँ पे आ गया आपका। अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि जो आपकी ये सारा किस्सा जो था ये सैंपल्स को हम डील कर रहे थे, सैंपल्स की मीन और वेरियंस के लिए हम काम कर रहे थे। अब पॉपुलेशन के लिए करना है तो हमने स्टेटमेंट में जो डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन हमारी है 5 डिजिट्स पे जो मुश्तमिल है उस 2, 4, 6, 8, 10, इसको आप एक कॉलम बनाएं एक्स डिनोट करें उसके साथ और ये आपके पास कॉलम करें इसका स्क्वायर भी फाइंड कर लें। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए अब पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरियंस। तो एक्स का कॉलम आपके पास सम ऑफ एक्स ओवर एन करें अगर पॉपुलेशन का आपने मीन फाइंड करना है सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी हमारे पास अन ग्रुप डाटा है तो सम ऑफ एक्स ओवर एन करके हमारे पास ये वाला जो मीन आ गया ये अब पॉपुलेशन का, इसको मैं शो इससे कर रहा हूँ।
एक्स बार से। और जो वेरियंस है इसका, इसके लिए ये वाला फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था अन ग्रुप डाटा से, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब इसी में वैल्यूज अगर पुट कर दें तो आपके पास ये 44 आ गया, इसका सम करने सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 220 है डिवाइडेड बाय 5 किया, 5 कहाँ से है एंड आपका 5 वैल्यूज हैं पॉपुलेशन साइज जो। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, 6 आया इसका स्क्वायर किया 36, इसमें से माइनस करके 4 आपके पास आंसर आ जाता है पॉपुलेशन का। सो 4 नहीं 8। अब लास्ट जो लास्ट पे आपने काम करना है वो ये है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरिएंस निकाला है और जो आपने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया है, ये आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए इसमें। याद रखिएगा कि सैम्पलिंग एरर जो है वो आपका मीन पॉपुलेशन वाला और सैम्पल वाला मीन जो होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी आपके जो सैंपल्स बनाने के सारे सिनेरियो में जो एरर आ सकता है वो आपको बता रहा होता है डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन्स। अब वेरिफिकेशन में दो स्टेप हैं। पहला तो ये कि आपका पॉपुलेशन वाला जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीन है वो इक्वल आना चाहिए पॉपुलेशन मीन के। तो जरा देखें, हमारे पास ये मीन था मेरा सैंपल वाला, और ये वाला जो मीन था ये वाला, ये पॉपुलेशन वाला था, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। पहली वेरिफिकेशन आपकी ये होगी। सेकंड वाली वेरिफिकेशन ये है, सेकंड जो वेरिफिकेशन है वो चेंज होती है हमारी विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट में भी। अब विद में इसका जो फार्मूला है वो यही रहता है हमेशा कि अगर आपके पास जो वेरियंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस हम सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं डिवाइडेड बाय सैंपल साइज स्मॉल एन से। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें आपकी, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार यानी पॉपुलेशन वेरिएंस जो है सैंपलिंग वेरिएंस वो है 4, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो है 8 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज आपका 2 है। तो इसको अगर आप, ये कट जाएगा और ये दोनों सेम आ जाते हैं। यानी वेरिफिकेशन में विद रिप्लेसमेंट में आपने पॉपुलेशन वेरिएंस को डिवाइड करके सैंपल साइज से इक्वल लेके आना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस से। नेक्स्ट इंशाल्लाह विदाउट रिप्लेसमेंट पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जज़ाकअल्लाह।